हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल हटके अलग डिजाइन में बाजू। और बाजू हैं हमारी बिल्कुल ही हटके हैं। आज तक आपने अभी तक ऐसी बाजू नहीं देखी होंगी। एक बार ये डिजाइन देखोगे तो बस। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी बाजू कट करनी है। अब तक हम फ्रिल लगाते आए थे नीचे की साइड, और अब खड़ी फ्रिल लगाएंगे हम बाजू के ऊपर। तो सबसे पहले हमें अपनी बाजू कट करनी है। आप अपनी बाजू के नाप से कपड़ा ले लें, जितना भी आप रखना चाहती हैं। अब देखिए, ये हमारी खुले की साइड है, ये बंद की साइड है। बंद की साइड से पहले हम अपनी बाजू का नाप ले लेंगे। बाजू हम तैयार जो रखेंगे वो 10.5 इंच की रखेंगे। 1.5 इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, जो हमारा 1 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। और आर्म होल्स की साइड से आप अपने हिसाब से लें। हमने 6.5 इंच के आर्म होल्स लिए हैं, तो 8.5 इंच ये हमने यहाँ से चौड़ाई ली है इसकी। और अब यहाँ से हमें 1 3 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से 3 इंच पर मार्क किया है, और खुले की साइड से हमें 2.5 इंच पर एक मार्क करना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से, और जितना भी आप इसका बॉटम खुला रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। हम ये 5 इंच खुला रखेंगे, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, सिर्फ 6 इंच ले रहे हैं यहाँ से। और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे इसी तरीके से। और 1/2 इंच की गहराई और दे लेंगे फ्रंट पीस के लिए। अब सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। अब इस दोनों बाजू को हम खोल के रखेंगे, या फिर आप ऐसे उठा के भी फ्रंट पीस में जो हमने मार्क किया है 1/2 इंच की गहराई का, उसे कट कर लें इस तरीके से। यहाँ से हमारी बाजू जॉइंट है, इसको भी खोल लेंगे। ये दोनों बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में हमें ये कपड़ा लेना है, और इसको हमें इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है, और फिर से एक बार फोल्ड करना है। देखिए, ये हमारा फोल्ड लेयर हो गया है, और एक बार और से और फोल्ड कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हमारा ये 7 6 इंच है, तो हमें ये यहाँ से भी हमें 6.5 इंच ही लेना है। इसे हम और एक शेप देंगे। ये हमें टोटली कपड़ा 6.5 इंच लेना है। इस तरीके से मार्क कर लेंगे, और इसी तरीके से इसे कट करेंगे। अब ये कट कर लिया है, और इसके बाद देखिए यहां से हमें कट करना है 1.5 इंच। ऊपर से हमें ये 1.5 इंच कट करना है इस तरीके से। दोनों तरफ से यहां से हमें 1.5 इंच रखना है, और इसे कट करेंगे। इस तरीके से, और अब इसे हम खोल लेंगे। इसके हमें 4 पीस करने हैं। अभी ये हमारे 2 पीस हैं दोनों बाजू के लिए। अब इसे हम यहाँ से बीच से कट करेंगे। देखिए एक बार, यहाँ से इसे बीचा बीच से हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने कट कर लिया है, और अब ये एक बाजू के लिए है, ये एक बाजू के लिए है। पहले हम एक बाजू कंप्लीट करेंगे। और देखिए, हमने सुई में धागा डाल लिया है, और ये जो हमने यहाँ से कट किया था, यहाँ पर हमें इस तरीके से सुई को निकालना है। ये जो हमने 1.5 इंच पर कट किया है, उस जगह पे हमें इस तरीके से सुई को लेना है। और इसको देखिए, हमें यहाँ से इस तरीके से टक करना है। ये इस तरीके से खुली रहेगी, और यहाँ से हमने इसे भिड़ा लिया है, और यहीं पर इसे नॉट लगा देंगे। इसी तरीके से, जिस तरीके से हम ये वाली बाजू तैयार करेंगे, उसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू को भी तैयार करेंगे। और इस पीस को भी हमें ऐसे ही करना है। देखिए ध्यान से, इस तरीके से सुई को निकालना है, और इसे भी यहीं पर हमें कट करना है।
हल्का लूज करेंगे, बिल्कुल खींच कर नहीं करेंगे, हल्का सा लूज से टक करेंगे। ये देखिए ये पीस भी हमारा इसी तरीके से बन चुके हैं। अब इन एक बाजू हम पूरी कंप्लीट करके दिखाएंगे, एक हम खुद बना लेंगे। इसके लिए हम कैनकेन यूज करेंगे। ये हमने कैनकेन यूज की है, आप चाहे तो बुकरम भी यूज कर सकते हो, लेकिन बुकरम धुलने के बाद ख़राब हो जाती है, इसलिए हमने बुकरम नहीं यूज की है। और इस तरीके से इसको रख लेंगे इसके ऊपर और कैनकेन को कट करेंगे। जिस तरीके से इसकी शेप आई हुई है सेम इसी तरीके से हमें कैनकेन कट करना है। यहाँ से ये पूरे को इसी तरीके से दूसरा पीस भी हम कट करेंगे। पहले एक पीस कट कर लेंगे। ये एक पीस हमारा कट हो चुका है, इस पीस को लेंगे कैनकेन को और इससे ही हम दूसरा पीस कट करेंगे। यहाँ से इस पीस को इसी तरीके से रख के बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे। अब इसको सिल के तैयार करेंगे। अब देखिए कैनकेन और ये कपड़ा, इसके ऊपर ये वाली लेस लगाएंगे हम। हमें एक साथ सिलना है, कपड़ा कैनकेन और लेस तीनों चीज को हमें एक ही साथ सिलाई लगानी है। इसको एक साथ करते हुए चलेंगे, ऊपर नीचे ना हो जाए। साथ पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगाने हैं। ये इसी तरीके से राउंड के पूरे में हम यहाँ तक लेस लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर लेस लगा ली है और इसी तरीके से यहाँ पर भी लगा लेंगे दूसरी सिलाई। अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पर हमें इसी तरीके से ये लेस लगानी है। बिल्कुल हटके एकदम नया डिजाइन है ये, और ये लेस हम यहाँ तक लगाएंगे, कुछ हमारी फिटिंग में जाएगी। हम सिलाई इस तरीके से लेस लगाएंगे, यहाँ से हमारी फिटिंग में जाएगी। इसी तरीके से इसका दूसरा वाला पीस तैयार करेंगे। इसी तरीके से इस पर भी हम ये सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। देखिए बुकरम की वजह इसके लिए कैनकेन यूज करें तो अच्छा होगा, बुकरम इसमें अधिकतर यूज नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि बुकरम धुलने के बाद ख़राब हो जाता है और कैनकेन ऐसी की ऐसे ही रहेगी आखिर तक, तो इसमें कैनकेन ही यूज करें। बुकरम से बन सकता है, एक दो बार चल सकता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा फिर ख़राब हो जाती है, बुकरम ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती है। इसमें एक आध छोटी छोटी प्लेट लेंगे। इस पर भी यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे। और अब देखिए इसको यहाँ से हमें बाजू को सबसे पहले फोल्ड करना है। पहला फोल्ड हमने हाफ इंच पर लिया है और दूसरा भी हमने हाफ इंच पर ही लिया है। और अब देखिए इस
तरीके से इसको रखेंगे और इस पे जितनी इसकी फिटिंग है उस हिसाब से मार्क कर लेंगे। आप जितने भी इसकी फिटिंग रखना चाहते हैं उस हिसाब से मार्क कर लें। इसकी फिटिंग यहाँ से इस तरीके से आएगी और ये निशान हम दोनों तरफ कर लेंगे। अब इस बाजू को इस तरीके से खुला रखेंगे और यहाँ पर इसको सेट करेंगे। ये थोड़ा सा हम आगे की तरफ निकाल के रखेंगे और देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत जो रहेगा लेस वगैरह वो फिटिंग में दब जाएगी। और इस बाजू का इतना प्यारा लुक आएगा कि आप देखते रह जाओगे। इसी तरीके से दूसरे वाले को लगाएंगे और देखिए आप यहाँ से इसको इसी तरीके से लेंगे। और यहाँ से देखिए हमने हाफ इंच इसको भी छोड़ दिया है और हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा यहाँ पे छोड़ देंगे इस जगह से और तब लेंगे, क्योंकि हम ज़रा ये सिलाई में जाएगा ये हमारा सिलाई में नहीं जाना चाहिए। और इसी तरीके से इसको भी सिलेंगे। ये देखिए हमारी बाजू का डिजाइन आया है इस तरीके से आएगा। इसको हम फिटिंग कर लेंगे पहले यहाँ से इस तरीके से, इस जो हमने मार्क किया है उस मार्क से इसे फिटिंग करेंगे। यहाँ से हमने हाफ इंच छोड़ दिया है जो हमारा सिलाई में आएगा, इसे सीधा करेंगे। अब देखिए इसकी फिटिंग इस तरीके से आई है और यहाँ पर हम एक सुई से टाँका लगाएंगे। हमने सिलाई से नहीं लगाया है क्योंकि फिटिंग देखनी है और फिर यहाँ पर सुई से टक लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसे टक कर लिया है और यहाँ पर भी हमें ये टक करना है। ये हमने सिलाई मशीन से नहीं किया है क्योंकि हाथ से इसे टक करेंगे ताकि ये अच्छे से हो सके और दिखाई भी ना दे। इस तरीके से देखिए इसका लुक आएगा और ये यहाँ पर इस तरीके से सीधी होगी। तो भी देखिए जो दो टक हमने लगाए हैं दोनों तरफ लगा दिए हैं, इनसे ये बिल्कुल खड़ी रहेगी बाजू हाथ में डालने के बाद भी। और इसका लुक कितना प्यारा आया है देखिए, इस तरीके से इसको पहना जाएगा। और ये इतनी प्यारी है, ये हमारी कोहनी से ऊपर ऊपर की है, आप चाहे तो नीचे तक की इस तरीके की फ्रिल लगा सकते हो। ये इसका लुक बहुत प्यारा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि ये आपको हमारा बाजू बनाने का तरीका और वीडियो कैसा लगा है। आखिर तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।